आर्मी चीफ का कोर हेडक्वार्टर्स कराची का दौरा, फॉर्मेशन की ऑपरेशनल उमूर और सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग, दाखिली सलामती के इकदाम और ऑपरेशनल तैयारियों पर इजहार इत्मीनान, अमनो अमान बरकरार रखने पर सिंध रेंजर्स और फॉर्मेशन की खिदमात की तारीफ, सिंध पुलिस के शहदा के अहले खाना से भी मुलाकात की, पाक फौज की मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। सिंध हुकूमत की अपोजिशन खौफ जदा है, सिंध बल्दियाती कानून को काला कानून कहने वालों का मुंह काला होगा। पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाने वाले पीपल्स पार्टी को लेक्चर देने वाले कौन होते हैं? लसानी सियासत करने वालों के साथ वो करेंगे कि याद रखेंगे? बिलावल भुट्टो बरस पड़े, कहा बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त देंगे, बल्ला चलेगा ना पतंग सिर्फ तीर चलेगा। पीपल्स पार्टी नुमाइंदा जमात नहीं, वडेरों का गैंग है, ये गैंग मजलूमों के हक पर डाका डालता है। आमिर खान के बिलावल भुट्टो पर वार, कहा लाहौर में झंडा गाड़ने की बातें करने वाले सिंध की सूरत हाल तो बताएं, यहाँ क्या दूध की नहरें बह रही हैं? सिंध के अजला मोइनजोदड़ो का नक्शा पेश करते हैं। कराची में मुहाफिज भी गैर महफूज, गुलिस्तान जौहर में परफ्यूम चौक के करीब डकैती मुजामत पर DSP गुलाम मुर्तजा जख्मी, CCTV में दो मोटरसाइकिलों पर चार डाकुओं को देखा जा सकता है। लूटमार की कोशिश फ्लैट की पार्किंग में की गई। एलीट तबके को आम आदमी की कोई फिक्र नहीं, करप्शन कानून की पुरानी न होने की अलामत है, कानून पर अमल न होने से करप्शन जन्म लेती है। वज़ीर आज़म का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा कोई मजहब दहशत गर्दी की इजाजत नहीं देता, दुनिया भर में इस्लामोफोबिया के जिम्मेदार हम नहीं है, भारत कश्मीर में जो कुछ कर रहा है कोई मगरबी मुल्क तनकीद नहीं करता। महंगाई ने हर घर को तबाह हाल कर दिया, लोग एक वक्त की रोटी को तरस रहे हैं, हाथ उठाकर बददुआएं दे रहे हैं। शहबाज शरीफ की तनकीद, बोले तारीख में इतनी कयामत खेज महंगाई नहीं आई, अद्वियात बच्चों के दूध की कीमत आसमान से बातें कर रही है। सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग का मामला, हुकूमत का वोटों की मुबैना खरीदो फरोख्त के खात्मे के लिए अहम कानून साजी का फैसला, मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान कहते हैं आज वफाकी काबीना को ब्रीफिंग दी जाएगी, सदर मुमलिकत ने रेफरेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी थी। और कराची में ओमिक्रॉन की तस्दीक, कौमी इदारे सेहत के मुताबिक मजीद मुश्तबा सैंपल्स की जांच की जा रही है। 9 दिसंबर को ओमिक्रॉन का मुश्तबा केस सामने आया था, बरतानिया में कोरोना की खतरनाक किस्म ओमिक्रॉन से पहली हलाकत की तस्दीक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।